नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल आरकेपी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त रोस्ट रोबिन कुमार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं किस तरह से आप मीवा 11 का जो ये गेस्चर है, एंड्रॉइड 10 का जो गेस्चर है, वो किसी भी अपने सोमी के डिवाइस में किस तरह से इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे इनेबल कर रखा है अपने रेडमी नोट 7 डिवाइस में। तो आज की वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ किस तरह से आप इसे इनेबल कर सकते हैं, और दोस्तों इसे किस तरह से यूज़ करना है उसका फुल ट्यूटोरियल मैं बना चूंगा। तो आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसे किस तरह से इनेबल कर सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने उस गेस्चर को है अभी ऑफ कर दिया है। तो अब क्या करता हूं मैं, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक कर लेना है, आपको उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, ये ऑफिशियल प्ले स्टोर का लिंक है, तो आपको कोई भी डरने वाली बात नहीं, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही आप उस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, जैसे ही ओपन करेंगे कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है किस तरह से आपको यूज़ करना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर ये जो बटन है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा अलाउ डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स, इसमें दोस्तों क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली बैक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको बैक कर मतलब स्वाइप करना है, यहाँ पर फिर से इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर डाउनलोड मोर सर्विस में जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेविगेशन गेस्चर जो है इसे ऑन कर देना है। तो जैसे आप इसे ऑन कर देंगे, उसके बाद फिर से आपको बैक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको जैसे ही बैक करेंगे, उसके बाद फिर से आपको एक बार और बैक करना है, बैक करके आपको वापस से एप्लीकेशन में आ जाना है। उसके बाद आपको सिंपली स्लाइड करते रहना है, फिर यहाँ पर ग्रेट करना है, फिर गेट इट कर देना है। उसके बाद फिर बैक करना है यहाँ पर आपका, उसके बाद फिर ओके कर देना है, उसके बाद फिर डिसेबल ऑप्टिमाइज उसको कर देना है। दोस्तों, इसमें होता है कि बैटरी सेवर को आपको ऑफ करना पड़ेगा, तभी ये सही से वर्क करेगा, नहीं तो बैटरी सेवर रहेगा तो ये इसे बार बार बंद कर देगा, क्योंकि आपको पता होगा कि बैटरी सेवर जो है वो सारा चीज़ बंद कर देता है, ठीक है। तो इसलिए बैटरी सेवर आपको हमेशा ऑफ ही रखना है, तभी ये वर्क करेगा। ये वाला बैटरी सेवर आप ऑन रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर जो एक्सट्रीम बैटरी सेवर हो गया या फिर अल्ट्रा पावर सेविंग मोड हो गया, ये सभी फीचर जब आएगा तो वो सभी ऑफ कर दीजिएगा, तभी वर्क करेगा। बाकी ये बैटरी सेवर ऑन रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे ऊपर में जो बटन है उसे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला जो गेस्चर है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मगर दोस्तों, ये अभी काफ़ी भद्दा टाइप का लग रहा है, मोटा लग रहा है, छोटा सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको इसको थोड़ा सा कस्टमाइज भी करना होगा। सबसे पहले आपको सेटिंग वाले बटन में क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो सेकंड में जो बटन है उसमें क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर में जो वाला है, दो ऑप्शन है, ऊपर वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको किस तरह से करना है। तो इस तरह से आप रख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको चाहे तो साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, आपको जैसा पसंद है, छोटा सा पसंद है तो छोटा रख सकते हैं, चाहे बड़ा पसंद है तो बड़ा कर सकते हैं, और इसे आप यहाँ से मोटा चाहे पतला जो अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको पसंद लग रहा है, जैसा आपको लग रहा है कि अच्छा रहेगा, आप कर सकते हैं। यहाँ पर साइड भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लग रहा है आप अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। तो जैसा आपको दोस्तों पसंद है आप वहाँ पर ओसा रख सकते हैं। तो मुझे जैसा यहाँ पर पसंद लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। और दोस्तों इसमें बहुत सारे और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पर बहुत सारे चीज़ कस्टमाइज कर सकते हैं। आप यहाँ पर खोल के खुद से देख लीजिएगा कि यहाँ पर बहुत सारा चीज़ दोस्तों कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसमें कि बहुत सारा गेस्चर भी यहाँ पर ऐड किया गया है, जिसमें कि आपको साइड गेस्चर दिया गया है, बैक गेस्चर दिया गया है, बहुत सारा चीज़ दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर होम बटन में लिखा गया है गेस्चर की टैप करेंगे तो क्या ऑन होना चाहिए, यहाँ पर उसे आप चेंज भी कर सकते हैं, रिसेंट कर सकते हैं, कुछ भी जो मर्जी आप यहाँ कर सकते हैं, सारा चीज़ दिया गया है। दोस्तों डबल टैप करेंगे तो क्या लॉन्ग होगा, यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे अगर गेस्चर में आपका, तो यहाँ गूगल असिस्टेंट भी यहाँ से ओपन हो जाएगा, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है और काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है। तो आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद कैसी लगी बताएगा जरूर दोस्तों नीचे कमेंट्स में। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके रख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप की वीडियो हमेशा देखने को मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।